फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना। ये फ्रेंड्स आज हम सादा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। देखना, ये मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल कर रखा है। ये देखो, इधर से खुला भाग है, इस साइड से बंद भाग है। अब सबसे पहले हम इसमें ऊपर जो हमारा इलास्टिक आता है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक के लिए 2 इंच लगा रही हूँ। आप अगर आपका इलास्टिक पतला है तो आप 1.5 इंच पे लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम अपनी पूरी लंबाई लेंगे। जितनी हमारी लंबाई है टोटल वो लेंगे। मेरी इसमें पूरी लंबाई 41 इंच है, तो मैं 41 इंच लूंगी। ये देखो, ऊपर से इलास्टिक का 2 इंच छोड़ के उसके बाद मैं ले रही हूँ 41 इंच। ये देखना, ये 41 इंच पे निशान लगा लिया। और फिर नीचे बॉटम में फोल्ड करने के लिए आप 1.5 इंच लेना चाहते हो तो 1.5 पे निशान लगाना। और मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ नीचे फोल्ड के लिए। ये देखो, ये मैंने 2 इंच लिया। अब जो हमने ये इलास्टिक के लिए लगाया है निशान, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और जो नीचे फोल्ड के लिए भी 2 इंच पे लगाया है, इधर भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप कटिंग कर देना। मेरा देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, पूरा पूरा कपड़ा है। अब हम इसका ये ऊपर से लेंगे, जितना हमारा हिप है, हिप का चौथा भाग लेंगे। अब इसमें मेरा हिप है 44 इंच, 44 का चौथा भाग किया तो 11 इंच हुआ। और 11 इंच में प्लस में 2 इंच करेंगे तो टोटल मेरा हुआ 13 इंच। तो मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ। आप जितना आपकी हिप हो उसका चौथा भाग लेना और प्लस में 2 इंच प्लस कर देना। यहाँ से इलास्टिक का छोड़ के जो हमने यहाँ पे हिप का लिया है, मैंने 13 इंच, उतना ही मैं यहाँ पे लूंगी नीचे आसन के लिए। ये 13 इंच पे ऐसे निशान लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना, मैंने इलास्टिक का जो ऊपर 2 इंच का था वो छोड़ा है और उसके बाद मैंने 13 इंच लिया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी 13 इंच पे निशान लगा लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहां से भी अपना 13 इंच लेंगे और एक ये देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए 13 इंच यहां से और 13 इंच ये, एक ये डब्बा बन गया हमारा। अब इधर हम थोड़ा सा 0.2 पे निशान लगाएंगे ऊपर और 0.2 पे ही नीचे। ये हम मयानी वाला पेंट बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें मयानी जोड़ेंगे। अब जो हमने 0.2 लगाया है इसको और इसको मिला देंगे हम। अब फ्रेंड्स हम अपना बॉटम लेंगे। अब इसमें मुझे बॉटम चाहिए, तैयार बॉटम मेरा 14 इंच है। तो मैं यहाँ पे ये देखो 7 इंच पे ये निशान लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मेरा टोटल हुआ 8 इंच। ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने 0.2 अंदर की साइड लिया था, यहां से हम अपना ये मिलाएंगे ऐसे ऐसे मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहां से हम अपना शेप देंगे, थोड़ा सा हल्का सा आएगा इधर, ये बस इतना सा शेप आएगा क्योंकि हम इसमें मयानी लगाएंगे। और अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इसमें हम थोड़ा शेप देंगे, ये सीधा रहेगा नहीं तो फिर ये ऊपर चढ़ेगा ये पेंट, तो इसमें हम हल्का सा शेप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास शेपर है, मैं इस शेपर से लगा रही हूँ। आपके पास शेपर नहीं है तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हो इसका। ये सीधा ऐसे हल्का से ये बीच से थोड़ा सा अंदर की साइड आएगा और फिर इसमें ऐसे मिल जाएगा ये।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखो हल्का सा शेप आया है आसन की जगह। अब हम अपना दूसरा कपड़ा लेंगे और उसको भी कटिंग करेंगे। इसको रख के कटिंग कर लेंगे। फिर ये बंद भाग इस साइड में है, खुला इधर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रख लिया है मैंने। और अब इसकी हम निशान लगा के सेम इस पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखो ये हमारा कट चुका है। अब हम काटेंगे मयानी। अब मयानी के लिए हमने जो अपना आसन काटा है फ्रेंड्स, ये और ये देखो ऊपर का इलास्टिक का छोड़ देना, और यहाँ से देखो हमारा 13 इंच है, 13 का हम आधा लेंगे। तो आधा लिया तो हुआ हमारा 6.5 इंच, और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच। तो हम मयानी की लंबाई 7 इंच लेंगे। अब ये देखिए, ये मेरा इसी में बचा हुआ कपड़ा है, ये ऐसे डबल है फ्रेंड्स। अब इसकी हम लंबाई लेंगे 7 इंच। अब फ्रेंड्स ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लंबाई लेने के बाद अब हम लेंगे इसकी चौड़ाई मयानी की। तो हम लेंगे चौड़ाई के लिए हमें हिप का 12वां भाग चाहिए। तो हिप हमारा था 44, और 44 का 12वां भाग करेंगे। अब हिप का 12वां भाग किया तो फ्रेंड्स मेरा हुआ इसमें 3.6 और प्लस में आधा इंच। जितना आपका हिप हो उसका 12वां भाग ले लेना और उसमें प्लस में आधा इंच प्लस कर लेना आप। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई लेने के बाद 4.1, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये कपड़ा है, इसको इस कोने से इस कोने तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ किया, और अब इसको हम यहां से आधा इंच करीब निशान लगाएंगे, और इधर भी आधा इंच पे। ये हम फ्रेंड्स इसका शेप देने के लिए लगाते हैं, इससे हमारा ये राउंड आ जाता है। अब हम इसकी बीच से पहले कटिंग करेंगे। जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी इसकी पहले कटिंग करेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से जो हमने आधा इंच पे लिया था मार्जिन, यहां से हम इसकी शेप दे देंगे। ऐसे हम अपने दूसरे पार्ट की। अब फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करते हैं। अब जो हमारे ये 4 पार्ट हैं, इसको हम नीचे अपने फोल्ड के लिए रखा था। ये 2 इंच के लिए हमने फोल्ड छोड़ा था, तो मैं इसको आधा इंच अंदर दे रही हूँ। ये कपड़ा ऐसे देखिए, और ये ऐसे 1.5 इंच रहेगा। देखिए अब ये 1.5 इंच पे यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये सीधी साइड और ये अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखो ऐसे ही हम अपने जो 3 पार्ट और हैं उनकी भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। ये 4 पार्ट ऐसे सील लिए हैं नीचे से। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो मैंने 2 पार्ट लिए हैं, ये देखो। अब ये यहां से जो सीधी साइड है, जिस साइड आसन नहीं है, उस साइड से हम पहले जोड़ेंगे। तो ये मेरी दोनों अंदर सीधी साइड है और ये बाहर उल्टी साइड है। अब इसकी हम ऐसे सिलाई करेंगे, इसको 2 पार्ट को जोड़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको पूरा नहीं सिलेंगे, हम इसमें खुला रखेंगे नीचे से। आप, मैं इसको 1 इंच खुला रखूंगी, आप जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। जहां से ये मुड़ाई है मैं यहां से ऊपर 1 इंच रखूंगी, यहां से 1 इंच। और ये देखो टोटल मेरा हुआ 2.5 इंच, मतलब ये 2.5 इंच खुला रहेगा यहां से बॉटम से पूरा ऊपर तक। तो ये ऊपर 1 इंच पे आप निशान लगा लेना और वहीं पे मशीन रोक लेना, फिर पूरी सिलाई नहीं करनी है। मैं इस पे डबल सिलाई कर रही हूं, अब यहीं से हम डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल सिलाई मैंने कर लिया है और ये मैंने खुला रखा है। तो ये मैंने यहां से मेरा पूरा 2.5 इंच खुला है, आप 3 इंच भी रख सकते हो। अब इसको हम जैसे अपनी कुर्ती में चोक बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ये देखिए,
ये यहाँ पे किनारी है, तो वैसे डबल फोल्ड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब इसको ऐसे सिंगल फोल्ड ही कर रही हूँ मैं, और अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कट है, जैसे हम अपनी कुर्ती में चोक बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कट तक ला के थोड़ा सा ऊपर लेंगे फ्रेंड्स, और अपने ऐसे घुमाएंगे, सुई अंदर रखना आप, और फिर ऐसे इसको ऐसे घुमा के इस साइड में सिलाई कर लेंगे, ये देखिए, और अब यहाँ तक बॉटम तक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे बना है, ये जैसे कुर्ती में चोक बनता है वैसे बन गया है। अब हम उन दूसरे दो पार्ट हैं उनको भी ऐसे ही जोड़ के सेम ऐसे ही सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पार्ट सिल गए हैं, दो इसमें रहे और दो इसमें, जो चार पार्ट थे वो दोनों अलग अलग मैंने जोड़ लिए हैं, अब ये हमारे दो पार्ट बन गए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे मयानी। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हो तो फ्रेंड्स, मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाके, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हो और पॉकेट लगा सकते हो। मुझे इसमें पॉकेट नहीं लगाना है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसमें मयानी लगाऊंगी। ये देखिए, ये मयानी भी मैं डबल लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा पतला कपड़ा है इसलिए डबल लगा रही हूँ। अगर आप डबल लगाना चाहते हो तो डबल लगा लेना, और अगर सिंगल लगाना चाहते हो तो ऐसे, ये जो मैंने इसको ऐसे डबल कर रखा है, आप ऐसे सिंगल लगा सकते हो। और अब हम यहाँ पे ऐसे जो हमारा ये आसन का निशान था यहाँ पे रख के, और इसको ऐसे सिलेंगे मयानी को। और ये हम अपनी इसकी पेंट की, देखो ये सीधी साइड है, और ये मेरी इसकी, ये ऊपर मयानी की उल्टी साइड है, इधर सीधी साइड है इस साइड में। और अब इस मयानी को हम ज्वाइंट करेंगे। अब इस पे मैं डबल सिलाई करूंगी फ्रेंड्स, डबल करने से हमारा धागा जल्दी टूटता नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये मयानी लग चुकी है, अब इसी पार्ट पे हम अपनी दूसरी मयानी अटैच करेंगे यहाँ पे ऐसे। ये सीधा ही पार्ट है और ये मेरा इसकी साइड अंदर सीधा है, ऊपर उल्टी है। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे, जैसे पहले वाली सिली थी हमने वैसे ही, इसको भी वैसे ही सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी पार्ट पे ये दूसरी मयानी भी मैंने अटैच कर लिया है। अब अपना दूसरा पार्ट लेंगे और ये उसकी सीधी साइड अंदर की साइड होगी, ये सीधी साइड है और इसकी भी सीधी साइड है फ्रेंड्स। और ऐसे इसको यहाँ से जो हमारा आसन लिया था हमने, इधर से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जो आसन लिया था हमने यहाँ से, और ऐसे यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ऊपर से जॉइंट करेंगे पहले। अब यहाँ से ये हमारा इलास्टिक जो डलता है ये ऊपर से है, इसको अब देखो, ये हमारी मयानी अब यहां से ऐसे जॉइंट करेंगे। आसन तक ही सिलेंगे फ्रेंड्स, ऊपर इलास्टिक से लेके और आसन तक। अब इस पे फ्रेंड्स डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक मयानी अटैच हो गई है। अब हम इधर से इस पार्ट को लेंगे और ऐसे इस पार्ट को भी लेंगे। अब ये मयानी यहाँ पे जोड़ेंगे। अब ऊपर से पहले सिलाई करेंगे हम यहाँ से टॉप से, और फिर मयानी तक करेंगे जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर टॉप से सिलाई करके अब ये हमारी मयानी, और यहाँ आसन से ऐसे मिला के इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारा आसन तक सिल गया है फ्रेंड्स, और इसको अब हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों मयानी अटैच हो गई हैं। अब हम इसको अपने नीचे से बॉटम से, यहाँ बॉटम से देखो, ये एक पार्ट लेके इस बॉटम को, और फिर यहाँ से हम ये पूरा सिलेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मयानी पे देखो,
यहाँ से भी ऐसे ही हम मशीन को घुमाएंगे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे अपना। अब फ्रेंड्स हम अपना इलास्टिक डालेंगे इसमें। अब इसमें फ्रेंड्स ऐसे एक फोल्ड करके हम पहले सिलाई करेंगे, फिर जब से हम अपना इलास्टिक डालेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा फोल्ड करने के लिए और बिगनर्स के लिए भी। तो हम पहले इस पर एक फोल्ड करने के बाद एक सिलाई करते हैं ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी हो गई है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अब इलास्टिक आपकी जितनी कमर हो, कमर का नाप लेना फ्रेंड्स, और कमर हो उससे 3 इंच कम ले लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 37 कमर थी इसमें और मैंने इसको 34 लिया है, 3 इंच कम लिया है। और इसको यहां से ऐसे जॉइंट कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे इस पे दो सिलाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी उल्टी साइड है और इसमें ऐसे इलास्टिक रखेंगे और इसको ऐसे, और यहाँ पे इलास्टिक को छोड़ते हुए हम अपनी एक ऐसी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना इलास्टिक और ये ऐसे अपना फोल्ड किया हुआ। अब ये देखिए ऐसे, और इलास्टिक के ऊपर नहीं चलाना है मशीन को, थोड़ा सा नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इलास्टिक मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें एक बीच में सिलाई करेंगे, उससे हमारा इलास्टिक मुड़ेगा नहीं। इलास्टिक डालते समय फ्रेंड्स आगे से इधर को, इधर से और पीछे से, दोनों साइड से इसको खींचना है इलास्टिक को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मयानी पैंट, सादा पैंट बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर बना है। आप भी बनाना और कमेंट्स करके बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।